रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलामान अब्बास स्कूल। टुडे वी आर हियर विद आवर न्यू वीडियो लेक्चर फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एंड टुडे वी हैव दीस टू SLOs दैट आर 1275 एंड 1276। इन दो SLOs के अंदर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीखेंगे कि व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम कहाँ यूज करते हैं, और साथ साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो किस तरह से वर्क करता है, और उसकी वर्किंग हम सीख रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रे डायग्राम। सो माइक्रोस्कोप, हमने एक सिंपल माइक्रोस्कोप प्रीवियस SLO के अंदर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि माइक्रोस्कोप का काम होता है ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाना, और साथ साथ एक और एबिलिटी होती है किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की, जिसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। कोई भी जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको कितना इनलार्ज कर सकता है, उसको कितना रिजॉल्व कर सकता है, उसी बेसिस पे जो है वो डिफरेंट जो है वो माइक्रोस्कोप हमारे पास मौजूद है। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसकी मैग्नीफाइंग का पावर कम होती है एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं बिकॉज इस माइक्रोस्कोप के अंदर एक से ज्यादा लेंस यूज होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा था कि वहां हमारे पास जस्ट एक लेंस यूज होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं विद डिफरेंट फोकल लेंथ। यूज की अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज होता है, स्पेशली इन साइंस लैब्स एंड बायोलॉजिकल लैब, जिसमें हम एक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को इनलार्ज करने के लिए और उसकी इमेज को और ज्यादा रिजॉल्व करने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं। बायोलॉजिकल फील्ड के अलावा भी और दूसरी बहुत सारी फील्ड है, लाइक एग्रीकल्चरल फील्ड है, वहां पर भी जो है वो किसी भी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए या स्टडी करने के लिए जो है वो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। हमारे पास उसके अलावा भी जो है वो और बहुत सारे माइक्रोस्कोप मौजूद हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है। इन तमाम माइक्रोस्कोप की जो एबिलिटी है टू रिजॉल्व द इमेज एंड टू मैग्नीफाई द इमेज, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। सम हैव लो रिजॉल्विंग पावर एंड सम हैव हाई रिजॉल्विंग पावर। किसी की मैग्नीफाइंग पावर कम होती है तो किसी की मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होती है। तो इसी बेसिस पे जो है वो डिफरेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज होते हैं। तो चलिए अब हम जो है वो रे डायग्राम की तरफ चलते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इमेज फॉर्म करता है वो किस तरह से इमेज फॉर्म करता है, उसकी वर्किंग को हम जो है वो कंपाउंड रे डायग्राम की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने, दिस इज आर प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखेंगे कि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो दो लेंस यूज होते हैं, और दोनों लेंस कहलाते हैं, दोनों लेंस जो यूज हो रहे होते हैं दैट आर कॉन्वेक्स लेंस। तो हम फर्स्ट लेंस अपना ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो यहां मैंने जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया है, और ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जिसको हम मैग्नीफाई या इनलार्ज करके देखना चाह रहे हैं वो हमारा इस लेंस के आगे जो है वो प्लेस किया हुआ होता है। और ये मैंने इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये मैंने इसकी फोकल लेंथ मार्क कर दी, दिस इज एफ ओ। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है वो यूजुअली ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर तक की होती है। तो मैं यहाँ बोर्ड पे इनलार्ज रे डायग्राम बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे जो वो है फोकल लेंथ है वो ले लिए। सो ओ से लेकर फोकल लेंथ तक मैंने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, और ओ से लेके एफ ओ यहाँ तक भी जो है वो मैंने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है। सो
जैसे मैंने अभी कहा कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर। सो अब हम जो है उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को जो है वो हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देखना चाह रहे हैं। तो लेट सपोज ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, दिस इज आर ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्टिव लेंसेज को हमने इसीलिए कहा बिकॉज हम इस लेंस के आगे जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। सो नाउ हम जो है वो वही रूल्स अप्लाई करते हैं जो हमने पहले भी सीखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करते हैं। और क्या थे वो रूल, वो हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। सो आवर फर्स्ट रूल वॉज हमारे पास ये था कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट रूल मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, अब सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। और सेकंड रूल कौन सा है, व्हेन इंसिडेंट रे पासस थ्रू प्रिंसिपल फोकस देन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। या हम ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास स्ट्रेट थ्रू द लेंस। सो यहाँ मैंने जो है वो सेकेंड रूल अप्लाई किया है जिसमें इंसिडेंट रे डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही है ऑप्टिकल सेंटर को और स्ट्रेट पास हो रही है उस कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस से। और अगर हम अपनी दोनों इंसिडेंट रे को देखें जो कि रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट कर रही है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। ये वो पॉइंट है या ये वो पोजिशन है जहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो रही है बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हम इमेज फॉर्म कर लेते हैं। इमेज का हमें पता है कि इमेज हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट तक जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सो ये मैंने जो है वो यहाँ आपका डायग्राम बनाई है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था और उसकी इमेज हमारे पास फॉर्म आके आ रही है, फॉर्म हो रही है, उसको हम कह देते हैं दिस इज इमेज I1। ये वो फाइनल इमेज नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। जैसे मैंने कहा कि दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिकॉज इट यूजेस 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, 2 लेंस यूज होते हैं। अब तक हमने जो इमेज फॉर्म की है वो 1 लेंस को यूज करके किए। सो आवर नेक्स्ट लेंस इज आईपीस। एक आईपीस जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सबने देखा होगा कि एक पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, उसके साथ या उसके करीब जो लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक पार्ट होता है जिसे हम देख रहे होते हैं, जिस पार्ट से हम देख रहे होते हैं वो आईपीस कहलाता है। और आईपीस के अंदर भी हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। और इन दोनों कॉन्वेक्स लेंस में क्या फर्क है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है और जो आईपीस होता है, आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो अराउंड फ्यू सेंटीमीटर्स की होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आईपीस होगा कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस उसकी जो फोकल लेंथ है वो अराउंड 2.5 और 3 और 3.5 के बराबर होगी तकरीबन। So, अब हम जो है वो यहां पर अपना आईपीस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो है वो एक आईपीस को ड्रॉ किया है, इट इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स लेंस। तो हम यहाँ ये लिख नोट कर लेते हैं कि ये जो लेंस हमने ड्रॉ किया है दिस इज आईपीस। और साथ साथ जो है मैंने यहाँ आईपीस की फोकल लेंथ भी मार्क कर दी है। सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसी तरह से ये हमारे पास फोकल लेंथ हो गई आईपीस की। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो मेंशन करने वाली है वो ये कि
आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव लेंथ से ज्यादा होती है. दिस इज वन थिंग. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो इस आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर लाई करनी चाहिए. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. फर्स्ट थिंग इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव लेंस. एंड सेकेंडली द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस शुड लाई विद इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस. तो हम यहाँ एक और चीज नोट कर लेते हैं कि focal length of eyepiece is greater than the focal length of objective lens. और मैंने यहाँ mention कर दिया कि इसको हम eyepiece क्यों कहते हैं, because इस eyepiece के अंदर से हम हमारा जो object है जिसको हम देख रहे हैं microscope से वो हमें जो है वो eyepiece की मदद से नजर आता है. ओके, सो अब हम जो है वो इमेज फॉर्मेशन करते हैं बाय यूजिंग आईपीस. जैसे हमने पहले ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज करके इमेज फॉर्म की, अब हम जो है वो आईपीस को यूज करते हुए इमेज फॉर्म करते हैं. यहां जब हम यूज इमेज फॉर्म कर रहे थे सो दिस वाज आवर ऑब्जेक्ट, और उसको यूज करके बाय अप्लाइंग द रूल्स हमने जो है वो ये इमेज फॉर्म ऑब्टेन की थी. नाउ This image will behave as an object for this eyepiece. असल में यहाँ पर कोई object मौजूद नहीं है. असल object तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और यहाँ इसकी image form हो रही है. तो ये जो image form हुई है by using objective lens, this image will behave as a virtual object for this eyepiece. कि जो image form हुई है objective lens से वो as a virtual object behave करेगी इस eyepiece के लिए. तो हम बाकी तमाम चीजों को भूल जाते हैं. लेट सपोज हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस मौजूद है, एक लेंस मौजूद है और ये हमारे पास इमेज मौजूद है जिसको हम एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, और मेरे पास आईपीस की फोकल लेंथ मार्क की हुई है. सेम रूल्स अप्लाई करते हैं जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन करते हुए अप्लाई करते हैं. सो आवर फर्स्ट रूल इज व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. तो फर्स्ट रूल इस इमेज के ऊपर हम अप्लाई करते हैं. सो यहां मैंने इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट किया और फर्स्ट रूल अप्लाई किया जिसमें इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे के पैरेलल थी. और लेंस से पास होने के बाद अकॉर्डिंग टू रूल वो कहां से पास हुई, इट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. So, इसी डायग्राम पे अब हम अपना सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं इमेज फॉर्मेशन का. इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास थ्रू दिस विदाउट बेंडिंग. वो उस ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करने के बाद जो है उस लेंस में से स्ट्रेट पास हो जाएगी. सो यहाँ मैंने जो है वो सेकेंड रूल अप्लाई किया है, और सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो इंसिडेंट रे जो इस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद ऑप्टिकल सेंटर पे जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर पे जाने के बाद उस लेंस में से स्ट्रेट पास हो जाती है. तो इस इमेज को हमने एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते हुए जो है वो आई पीस के थ्रू जो है वो रूल्स अप्लाई किए, और अब हम जो है वो दो रिफ्रैक्टेड रेज मिल गई हैं, और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो आपस में डाइवर्ज हो रही है. दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपस में एक दूसरे से फैल रही है. तो हम इन दोनों रेज को जो है वो बिहाइंड दिस ऑब्जेक्ट, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है फिलहाल, तो हम इन दोनों रेज को जो है वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर देते हैं. तो जब मैंने अपनी इन दोनों रेस को एक्सटेंड किया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट वो इस पॉइंट पे आकर मीट कर रही है. वो आगे डाइवर्ज हो रही थी इसलिए हमने उसको बिहाइंड द ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सटेंड कर दिया. अब हम इमेज फॉर्म करते हैं. ये मैंने अपने प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. ये वो मीटिंग पॉइंट है जहां पर हमारी जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो डाइवर्ज हो रही थी इस पॉइंट से. तो हम जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट तक अपनी फाइनल इमेज को ड्रॉ कर देते हैं. सो दिस इज अनदर इमेज
This is I2, or this is our final image. ये हमारी जो है वो फाइनल इमेज है. ओके, सो इस पूरी रे डायग्राम को जो है वो हम दोबारा से सम अप कर देते हैं. हमारे पास दो लेंस होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड वन इज आईपीस. जब हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ के बाहर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो उसने एक इमेज फॉर्म कर दी आई वन. सो वी हैव आई वन जो कि इमेज है. किस लेंस से फॉर्म हुई है इमेज? ये फॉर्म हुई है बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिव लेंस. आई वन जो इमेज है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी है, जबकि जो दूसरी इमेज हमारे पास फॉर्म हुई है. अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं. और इस इमेज का जो नेचर है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिव लेंस. देन हमारे पास जो एक और लेंस था जिसको हमने आईपीस कहा था, उसको हमने इस तरह से प्लेस किया कि द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस लाय विद इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस आईपीस. देन हमने उसी तरह से रूल्स अप्लाई किए. दिस इमेज बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस. इस आईपीस के लिए जो है वो इमेज एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करती है. फिर हमने जो है वो इसी के ऊपर दो रूल्स अप्लाई किए. रूल्स अप्लाई करने के बाद जो है वो दोनों रेस एक्सटेंड हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी, तो हमने उसको बिहाइंड द ऑब्जेक्ट यहाँ ला के मीटअप करवाया. और जब मीटअप करवाया तो हमारे पास एक फाइनल इमेज आ गई. सो दिस फाइनल इमेज आई टू, दिस आई टू इमेज इज फॉर्म बाय यूजिंग आईपीस. जो फाइनल इमेज हमारे पास फॉर्म हुई है वो आईपीस से बनी है. और अगर हम इसका नेचर देखें तो ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास आईपीस के लिए, और इसी तरह से उल्टी इमेज ही फॉर्म हुई है. वो ऑब्जेक्ट भी उल्टा बना हुआ था और इमेज भी इन्वर्टेड बन रही है. सो दिस इमेज इज ऑफ वर्चुअल नेचर. ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो वर्चुअल नेचर की है. दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड. तो हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, जबकि आईपीस जो है वो वर्चुअल इरेक्टेड इमेज फॉर्म करता है. तो हमारे पास जो है वो मैग्नीफाइंग फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास चार वेरिएबल्स आ रहे हैं. दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इक्वल्स टू एल अपॉन एफ ओ ब्रैकेट 1 प्लस डी ओवर एफ ई, वेयर एफ ओ एंड एफ ई आर द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस. ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और ये आईपीस की फोकल लेंथ. रिमेनिंग हमारे पास बच गए दो वेरिएबल, वन इज ले एल एंड अनदर वन इज डी. ये दो भी हमारे पास दो डिस्टेंस हैं. अब कौन से डिस्टेंस है? फर्स्ट वन इज एल. तो L जो है वो हमारे पास इन दोनों लेंस के दरमियान का डिस्टेंस है. सो फॉर एग्जाम्पल, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाता है? L. And what is L? L is the distance between objective lens and the eyepiece. Second जो वेरिएबल है that is D, और D का मतलब है आई और फाइनल इमेज के दरमियान का डिस्टेंस. तो फाइनल इमेज हमारे पास यहाँ मौजूद है, जो आई मौजूद होगी जहां से हम देख रहे हैं. लेट सपोज यहां हमारे पास आई मौजूद है, तो हम यहां से देख रहे हैं. सो यहां से लेकर ये जो फाइनल इमेज है, यहां तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? दिस इज इक्वल टू डी. तो ये चार वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर मैग्निफिकेशन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिपेंड करती है. सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, और हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से वर्क करता है. और हमने इसकी जो वर्किंग है वो उसके रे डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ हमने उसकी वर्किंग सीखी. साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी देखी कि क्या फोकल लेंस होती हैं और क्या क्या इमेज फॉर्म होती हैं इन दो टाइप के लेंसेज से. So that was it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from geometrical optics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.